नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जिला प्रशासन किसानों की मांगों को लेकर चौकस नजर आ रहा है। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने किसानों को धान बिक्री को लेकर कोई परेशानी ना हो गल्ला मंडी संडीला, माधोगंज, गौसगंज एवं हरदोई गल्ला मंडी में सरकारी धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धान क्रय की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही केंद्र प्रभारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि मंडी में धान लेकर आने वाले प्रत्येक किसान को किसी भी प्रकार की परेशानी ना होने दें और बिना किसी दिक्कत किसानों के धान की खरीद की जाए। उन्होंने डिप्टी आरएमओ अनुराग पांडे को निर्देश दिए कि गल्ला मंडी एवं अन्य क्रय केंद्रों पर सरकारी धान की खरीद में तेजी लाएं और प्रत्येक दिन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार क्रय केंद्रों पर धान की खरीद की जाए और छोटे किसानों की धान खरीद में प्राथमिकता दें। वहीं मुख्य सचिव ने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि धान क्रय केंद्रों पर दलालों एवं बिचौलियों को किसी भी दशा में भटकने ना दिया जाए और बार बार धान क्रय केंद्रों पर आकर अव्यवस्था एवं अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ है उनका पंजीकरण तत्काल प्रभाव से कराया जाए और धान क्रय केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पंखा, छन्नी एवं बोरा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसानों के लिए पेयजल, बैठने के लिए छाया वाला स्थान आदि की व्यवस्था की जाए। निरीक्षण के दौरान संजय कुमार सिंह, आशुतोष कुमार मिश्रा, उमेश कुमार साहू आदि मौजूद रहे। जो आई है, खरीद हो रही है लेकिन इसमें गति देने की आवश्यकता है क्योंकि धान की फसल इस बार अच्छी हुई है और उस अच्छी फसल की वजह से और क्योंकि मार्केट बाहर का जो है वो नीचे चल रहा है तो हमारा ये प्रयास है कि कम से कम धान जो है आढ़तियों को मिले और ख़ासतौर पे जो 1000-1200 के दर पर देने की बात ना आए और हम लोग यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार पूरा 1868 रुपये जो MSP है उस पर पूरी खरीद हो, उनको हमने हिदायत दी है। और ये भी कहा है कि एक या दो, कम से कम दो केंद्र अलग ही कर दें, जो छोटे किसान जो 25-30 क्विंटल लाते हैं उनको लाइन अलग से लगने की वजह से ना लगे, उनको अलग से केंद्र बना दें दो कम से कम, जो वहाँ पर वो आएँ और दे के चले जाएँ। और इसके अलावा बाकी जगह चल रहा है वो अपनी क्षमता कम से कम 400 एक कांटे पे 400 क्विंटल जरूर बिके और धनराशि का भुगतान 72 घंटे में हो जाए। और जहाँ जहाँ भी ऐसी शिकायत आ रही है कि जहाँ पर जैसी शिकायत ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के में की तो वहाँ पर सदन चेकिंग कराते हुए सुनिश्चित किया जाएगा, कहीं भी अगर अनियमितता हुई तो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.